आसार बन रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसमें सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, झाबुआ में तेज बारिश की आशंका है। इसके अलावा इंदौर, रायसेन और भोपाल में मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। रविवार को जिलों में जमकर बारिश हुई थी और इस बारिश के बाद लगातार संभावनाएं अभी और 2 से 3 दिन बने रहने की जताई जा रही है। दरअसल बारिश का ये दौर मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी जारी रहने की संभावना है, जिसमें बारिश का स्ट्रांग सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया और बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इन 3 दिनों के दौरान बारिश के समय भीगने से बचने के लिए किसी पेड़ की ओट न लें, पेड़ का सहारा न लें, चूंकि बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। और यदि बिजली गिरती है तो पेड़ों से दूर रहना जरूरी है, चूंकि कई बार बिजली पेड़ों पर गिरती है और उसके आसपास जो भी मौजूद होगा उसे भी बिजली का प्रभाव पड़ सकता है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी और तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल और रायपुर से। तनु, पहले आपके पास आते हैं, चूंकि छत्तीसगढ़ में एक स्ट्रांग सिस्टम इस वक्त बनता नजर आ रहा है, बारिश और बिजली कड़कने की भी पूर्वानुमान जताया गया मौसम विभाग की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो है एक सिस्टम जो है एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते अब छत्तीसगढ़ में फिर से मानसून की एक्टिविटी में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आगामी 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज यू ही बना रहेगा। अभी फिलहाल की हम बात करें तो पिछले 1 हफ्ते से छत्तीसगढ़ में मानसून जो है वो थम सा चुका है और कई जिलों में बारिश हो रही है, तो कई जिलों में बारिश नहीं के बराबर है। वहीं राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में बीते 1 हफ्ते से बारिश का दौर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है और उमस और बेचैनी से लोग यहां पर हलकान है। ऐसे में अब एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की है और 24 घंटे के लिए बीजापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर के एरिया के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही भारी बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जो है वो जताई गई है। साथ ही एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट के बारे में भी मौसम विभाग ने इस बार चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि जहां कहीं भी तेज बारिश होगी वहां पर जलभराव वाली स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जिन जिलों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है वहां पर पेड़ों के नीचे रहने से लोगों को मना किया गया है। जब तक कोई आवश्यक काम न हो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत जो है वो दी गई है। ऐसे में सड़कों में फिसलन की समस्या भी जो है वो बढ़ सकती है, तो तमाम तरह के सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग के द्वारा जो है वो की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का स्ट्रांग सिस्टम आज से ही जो है बन जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि देर शाम तक छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जो है वो देखने को मिले। फिलहाल अभी सुबह से ही ठंडी हवाएं यहां पर चल रही है और हल्के बादल जो है वो छाए हुए। आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे जो है बारिश होती है, क्योंकि 1 हफ्ते से छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जो है वो देखने को नहीं मिला है जी। और करीब 7 जिले मध्य प्रदेश के भी भारी बारिश के प्रभाव में रह सकते हैं। शैलेंद्र, क्या कह रहा है मौसम विभाग, क्या पूर्वानुमान जताया जा रहा है? देखिए बिल्कुल आशीष, बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। मध्य प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां हैवी रेन का अलर्ट जारी किया, जिसमें खरगोन हो, खंडवा हो, हरदा है, सीहोर है, नर्मदापुरम है, ये वो इलाके हैं जहाँ हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जहाँ मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी, जिसमें भोपाल, रायसेन, विदिशा और आसपास के जो जिले हैं। उसके अलावा कुछ जिलों जहाँ पर हल्की गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। देखिए भी अगर मैं बताऊं कि राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो है वो हैवी रेन देखने को मिली थी। सुबह से हालांकि उमस भरा माहौल था, लेकिन दोपहर होते होते मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ ये बारिश हुई थी। अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो लगभग 1 इंच के आसपास राजधानी भोपाल में बारिश दर्ज की गई थी। और जिस तरीके से अब मौसम विभाग ने पहले ये कहा था कि अगस्त के महीने तक मध्य प्रदेश में भरपूर बारिश होगी, तो अगस्त के महीने में तो हुई, लेकिन सितंबर का महीना भी यानी सावन तो बरसे भादों भी जो है वो लगातार लोगों को भगो रहे हैं और ये बरसात अब लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन रही है। देखिए कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से लगातार ये खबरें आती हैं, चाहे वो नदियाँ हों या नाले हों या रपटे हों, उनके ऊपर से पानी बह रहा है और लोग जो है वो लापरवाही बरत रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं तो उनको अपनी जान की भी गंवानी पड़ रही है। कई इलाकों से खबरें आई कि जो पर्यटक स्थल हैं, जो जलप्रपात है, वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में बारिश का लुत्फ उठाने पहुँच रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते हादसे भी हो रहे हैं। देखिए मौसम विभाग ने लगातार ये कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन अभी मध्य प्रदेश में इसी तरह के
के रहने वाले हैं। कुछ इलाके जहां हैवी रेन होगी और कुछ इलाके जो है जहां पर हल्की और मध्यम बारिश भी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के अगर मैं बात करूं तो औसत बारिश अभी तक रिकॉर्ड हो चुकी है और उससे अधिक जो बारिश है वो अब लगातार हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही ये कह दिया था कि लगभग 106% बारिश इस बार होने वाली है और वही स्थितियाँ मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को भी मिल रही हैं। जी बिल्कुल, भोपाल से कुछ और खबरों के लिए डिटेल्स आपसे लेंगे, शैलेंद्र आप भी रहिएगा हमारे साथ, और रायपुर से आने वाली अपडेट्स के बारे में बात करेंगे तनु वर्मा से। तनु आप भी रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी